हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय सीरीज़। और आज इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल स्किन केयर रूटीन। और गाइस, बहुत सारी ब्राइड टू बी हैं जो कि मतलब शॉपिंग कर रही होती हैं और बिल्कुल भी अपने पे ध्यान नहीं दे पाती। और कुछ गर्ल्स को तो मतलब कुछ गर्ल्स के साथ तो ऐसा होता है कि उनको अपनी शादी के कुछ दिन पहले तक भी जॉब करना पड़ता है और उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो ऐसे में वो लास्ट मोमेंट में पार्लर जाती हैं जिससे कि अच्छा खासा बड़ा सा बिल बन जाता है। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप एटलीस्ट 20 से 30 दिन पहले इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो शादी तक आपके फेस पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाएगा और आप लोगों को पार्लर जाके बहुत सारे पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये सारे प्रोडक्ट हैं जिससे कि मैं प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन करूँगी। तो ये सारे बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं और हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप भी थोड़े दिन पहले यूज़ कीजिए तो इनके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफीन का नेकेड एंड ड्रॉ कॉफ़ी फेस वॉश, और ये आता है वाइट वाटर लिली के साथ, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। तो अपने वेट फेस पे इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, डर्ट है, उसको ये क्लीन करता है और हम जब सो के उठते हैं तो जितनी भी फेस पे पफिनेस होती है उसको भी धीरे धीरे ये रिड्यूस करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एम कैफीन का नेकेड ड्रॉ कॉफ़ी फेस स्क्रब कर रही हूँ जो कि आता है विटामिन ई के साथ। तो ये हमारे फेस पे जितनी भी ब्लॉक पोर्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको ये रिमूव करेगा, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। और हाँ गाइज, इनके पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों को स्क्रबिंग करनी है। और कॉफ़ी है जो इसमें, तो आप लोगों को पॉलिशिंग का भी काम करेगी। तो अच्छे तरीके से एक मिनट तक मैं स्क्रबिंग करूँगी, उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लूँगी। उसके बाद मास्क के लिए मैं यहाँ पे दो मास्क यूज़ कर रही हूँ जो कि है एम कैफीन का नेकेड एंड रिच चोको फेस मास्क जो कि आता है ड्राई स्किन के लिए, और यहाँ पे दूसरा मास्क है मेरे पास एम कैफीन का नेकेड एंड ड्रॉ कॉफ़ी फेस मास्क जो कि आता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। तो इन दोनों को मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो अपने टी जोन पे मैं चोको फेस मास्क अप्लाई कर रही हूँ गाइज, और इनकी जो फ्रेगनेंस है, आई कांट टेल यू, मतलब इतनी रिफ्रेशिंग है लगाने के बाद, मतलब मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी मल्टीमास्किंग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी शादी हो गई है, कोई भी ओकेजन आपको अटेंड करना है तो जस्ट इन दोनों में से कोई भी मास्क लगा लीजिए, आपको बिल्कुल ग्लोइंग फेस मिलेगा इसको रिमूव करने के बाद। और इस तरीके से मैं अपने चीक्स पे कॉफ़ी फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ, सॉरी चोको फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से कम्प्लीटली मेरा मास्क ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं एक वेट टॉयल की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ और फेस वॉश भी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है और काफ़ी अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है फेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर के लिए यूज़ कर रही हूँ प्लम का कैमोमाइल एंड वाइट टी टोनर। ये काफ़ी कामिंग एंटी ऑक्सीडेंट टोनर है, तो टोनर हमेशा आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैं अपने हैंड्स पे लेके मतलब पैट करते हुए 2 times अप्लाई करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का एज स्पेशलिस्ट ब्राइट ईयर्स सीरम, और जैसे कि अगर आप ब्राइड टू भी हैं या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोगों को डेफिनेटली सीरम यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपके डीप लेयर तक, मतलब स्किन के डीप लेयर तक जाके काम करते हैं। और हाँ गाइज, ये जो प्लम का ब्राइट ईयर सीरम है ये प्लांट स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है जो कि आपके रिंकल से फाइट करेगा, आपको डीप हाइड्रेशन देगा जिससे आपका जो स्किन है वो काफ़ी ब्राइटन अप और काफ़ी हेल्दी लगेगा। तो जब आपका एक प्रोडक्ट फेस पे अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद ही सेकेंड प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का 10-in-1 एक्टिव मिरेकल डे क्रीम, और ये आता है SPF के साथ। तो मतलब अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अलग से कोई भी SPF लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ गाइज, इसके बाद अगर आप कोई भी मेकअप करना चाहते हैं तो इस रूटीन के बाद आप अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। और लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं O3 प्लंज का ब्रिटिश रोज़ लिप बाम लगा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी सी इसकी फ्रेगनेंस और आपके लिप्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ये हाइड्रेट कर देगा। और हाँ गाइज, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है तो आपको हैंड क्रीम यूज़ करना चाहिए, इससे आपके हाथ बहुत मुलायम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्लम की क्रीम कैरमल हैंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा रूटीन कंप्लीट है। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय।